A very commonly requested surgery in my practice is gynecomastia. Gynecomastia ये man boobs एक ऐसी condition होती है जिसमें male में एक female like breast gland develop हो जाता है जो कि social embarrassment का bias बन सकता है. तो जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो concerned होते हैं कि जब ये surgery हो जाएगी तो हमारी recovery किस तरह से होगी. तो in this video I am going to tell you step by step कि आपकी जब surgery हो गई है तो उसके बाद आपने क्या क्या करना है और क्या क्या expect करना है और आपकी recovery किस तरह होगी. Because whenever you get a procedure done, it is your right कि आपको पता हो कि बाद में किस किस तरीके से रिकवरी होगी ताकि आपके लिए कोई सरप्राइजेस ना हो. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है. मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूं और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूं. मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं. गायनेकोमास्टिया की सर्जरी जब की जाती है तो उसके बाद रिकवरी किस तरीके से होती है. सबसे पहले तो गायनेकोमास्टिया एक डे केस सर्जरी है, यानी कि आप सुबह में हमारे पास आते हैं, एडमिट होते हैं, आपका प्रोसीजर होता है एंड शाम में हम आपको घर भेज देते हैं. जब आपकी सर्जरी हो जाती है और आप सर्जरी से जागते हैं तो आपके चेस्ट के ऊपर हमने कुछ बैंडेजेस की होती हैं एंड आपको एक कंप्रेशन गारमेंट दिया होता है. वो जो बैंडेजेस हैं वो एटलीस्ट 48 आवर्स तक रहती हैं और उसमें भी आपने ये एक्सपेक्ट करना होता है क्योंकि हमने सुन करने के लिए एंड ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारा एनेस्थेटिक फ्लूइड डाला होता है चेस्ट में. तो 48 आवर्स के लिए या 72 आवर्स के लिए थोड़ा बहुत पानी चेस्ट के वूंड्स में से आ सकता है, जिसके लिए आपने परेशान नहीं होना है. सो जब भी आए तो आपने वो बैंडेज चेंज कर लेनी होती है. जो कंप्रेशन गारमेंट हम आपको पहना के भेजते हैं वो आपने 4 to 6 weeks तक पहनना होता है और सिर्फ आपने उस वक्त रिमूव करना होता है जब आपने नहाना है. अगर आपको ऑपरेशन विदाउट बेहोशी हुआ है, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया में हुआ है, तो आपको 2 घंटे के अंदर हम घर भेज देते हैं. अगर आपका बेहोशी में ऑपरेशन हुआ है तो हम आपको 6 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम आपको घर जाने की परमिशन दे देते हैं. जब आपने घर जाना है तो यू शुड हैव 1 पर्सन जो कि आपका ख्याल कर सकता हो एंड आपको ड्राइव करके लेकर जा सकता हो, बिकॉज आपने ड्राइविंग नहीं करनी है. 2 डेज के लिए आपने घर पर रेस्ट करना है, खाना पीना है, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और सिर्फ थोड़ी बहुत वॉक करनी है. 3rd डे पे आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं. 5th डे के ऊपर आप वॉक कर सकते हैं या 7th डे पे ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं. 2 वीक्स पे आप कार्डियो कर सकते हैं. 4 वीक्स के ऊपर आप अपनी बाकी सारी एक्सरसाइजेज रिज्यूम कर सकते हैं एंड चेस्ट की एक्सरसाइजेज आप 6 वीक्स पर रिज्यूम कर सकते हैं. पहला फॉलोअप जो आपका होता है दैट इज़ आफ्टर 72 आवर्स, जिसमें हम आपके वूंड्स देखते हैं एंड आपकी रिकवरी देखते हैं कि कैसी जा रही है. नेक्स्ट फॉलोअप आपका 3 to 4 वीक्स के ऊपर होता है और उसके बाद एक 6 मंथ्स पे होता है जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट नज़र आता है. सो इनिशियली थोड़ा बहुत पेन होता है, हम आपको एंटीबायोटिक्स एंड पेन एडवाइस करते हैं, वो आपने 5 to 7 डेज के लिए लेने होते हैं. 2 वीक्स के बाद आपको स्कार थेरेपी एडवाइस की जाती है कि आपने किस तरीके से स्कार का ख्याल रखना है ताकि आपका स्कार अच्छा बने. स्कार 6 हफ्ते तक बहुत अच्छे हो जाते हैं, 3 महीने में उससे भी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं एंड इन मोस्ट ऑफ द पीपल 12 months से 18 months तक वो स्कार तकरीबन इनविजिबल हो जाते हैं. रिकवरी बहुत स्मूथ होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होती है एंड द पेशेंट्स आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स एंड देयर रिकवरी. अगेन हर एक की रिकवरी फर्क होती है, हर एक का पेन थ्रेशोल्ड फर्क होता है, हर एक का लाइफ स्टाइल फर्क होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें वेरी कर सकती हैं बट इन मोस्ट केसेस द रिकवरी गोज वेरी वेल. सो आई होप दिस आंसर्स ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस जो कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में गायनेकोमास्टिया में मुझसे पूछे जाते हैं. अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू. अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज राइट हियर एंड आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट पर्पजेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.